टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा, अरे उठिए। पशु पक्षी कब के अपने घोंसले में से उठ के काम धंधे पे चले गए हैं? चलिए उठिए जल्दी। लगता है ये ऐसे नहीं उठेंगे, अलार्म बजाना पड़ेगा। सब पशु पक्षी वापस आ गए काम धंधे से? अरे नहीं, वो तो मैं बोल रही थी। कैसा लगा मेरा अलार्म? रोज तो अपना मुंह से ऐसा अलार्म बजाएगी तो बहुत जल्दी मेरा हैरान हो जाएगा। अरे सुब सुब बोलिए और चलिए जल्दी उड़िए, मतलब उठिए। दया, रात भर तेरा खर्राटे की आवाज की वजह से मैं सो नहीं पाया। तू अभी सुबह उठी तब जाके मेरी आंख लगी। एक 10 मिनट सोने दे प्लीज। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खर्राटे की आवाज आपकी ही थी और आपको ही सुनाई दे रही थी। अरे खुद क्या, खर्राटे की आवाज खुद को थोड़ी सुनाई देती है? हाँ हाँ सुनाई देती है। आपको पता है हमारे अहमदाबाद में मनु काका है, उनको अपने खर्राटे की आवाज सुनाई देती है। वो जब रात को सोते हैं ना तो उनके खर्राटे की बहुत बड़ी आवाज आती है। और पता है वो अपने ही खर्राटे की आवाज से जाग जाता था ऐसा। ठीक है, तो काम करता हूँ मैं, 10 मिनट सो जाता हूँ, फिर मेरे खर्राटे की आवाज से मैं उठ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन 10 मिनट के बाद उठ जाना। मैं उठाने के लिए नहीं आऊंगी। प्लीज सभी पशु पक्षी जाओ जाओ काम पे जाओ। अरे बहू। अरे बापूजी, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। जेठा गया दुकान? अब नहीं, वो तो अब क्या सो रहा है? हाँ ना, मैं तो कब का जाग गया हूँ बाबूजी। एहसान किया। दादाजी ये देखो बचाओ का नक्शा। अरे वाह वाह, अरे हाँ, ये जेठिया जेठिया देख, बचाओ गांव का नक्शा है। अरे ये देख टपुड़ा, अपने गांव को लग के जो हाईवे वो है ये। हाँ, और ये कांजी खेची की गली है। लेकिन टप्पू बेटा, ये तू कहाँ से लाया? कंप्यूटर पे इंटरनेट से डाउनलोड किया है, मुझे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, इंडियन कल्चर्स इन विलेज। मतलब बेटा? मतलब हमारे गांव में जो भारतीय संस्कृति होती है उसके बारे में हमें प्रोजेक्ट बनाना है, और मैं अपने बचाओ गांव पे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। अरे वाह टपूड़ा वाह। देख टपू, बचाओ गांव के बारे में मैं तुझे बताऊंगा कि वहाँ खेती कैसे होती है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, उनका रहन सहन कैसा होता है, वहाँ के मकान कैसे होते हैं, वहाँ सब लोग उत्सव कैसे मनाते हैं। तुझे जो जानना है ना वो मुझे पूछना। थैंक यू दादाजी। शांति से पलंग पे सो जा।
मैं ना लेता हूँ। हाय बाबा। हाय बेटा। बाय बाबा। आई मैं टप्पू के घर जा रही हूँ। एक मिनट, सुबह सुबह टप्पू के घर पे क्यों? टप्पू के घर कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट करना है ना, इसीलिए जा रही हूँ। एक मिनट, कसला प्रोजेक्ट? वहाँ पर जाकर गेम्स खेलोगे तुम लोग? काई जरूरत नहीं, इधर बसकर अभ्यास कर। बाबा हम गेम्स नहीं खेलेंगे, सच में प्रोजेक्ट का काम है। आई बाबा ने सांग ना। जाने दीजिए ना, पढ़ने के लिए जा रही है माधवी। देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि सोनू घर में बैठ के स्कूल का प्रोजेक्ट कंप्लीट करे तो उसे एक कंप्यूटर लेके दीजिए। हाँ, फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बाबा, कंप्यूटर ले लो ना, वैसे भी स्कूल में मैं बहुत कुछ सिखाता है कंप्यूटर पर। हाँ ठीक है, ले लेंगे। अभी तुम जाओ और जल्दी वापस आना। हो, बाय बेटा। माधवी, कंप्यूटर लेना है? हाँ। हाँ? यस। बोलो, कंप्यूटर लेना है? ओ भाई, आप सच में कंप्यूटर लेने का सोच रहे हो? माग। चला चला। चला क्या चला? अरे कंप्यूटर खरीदना है, कोई सब्जी नहीं खरीदनी। अरे चार जगह पूछना पड़ेगा, भाव निकालना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ऑर्डर देना पड़ेगा, तब कंप्यूटर घर पे आएगा। हाँ, आपको जो करना है वो कीजिए। आपने कंप्यूटर लेने का सोचा है ना, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, मैं काम करता हूँ माधवी। हाँ। मैं मेहता साहब के पास जाता हूँ और उनको पूछता हूँ, उनको कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी। हाँ। आओ चप्पल। आइए भिड़े भाई। देखिए भिड़े भाई आए हैं। सुप्रभात। आहा, कोई पास आया सवेरे सवेरे। बैठिए बैठिए। थैंक यू थैंक यू। आराम से आराम से आराम से। बोलिए। हाँ मेहता साहब। एक मिनट। हाँ, आप लोग अपना वार्तालाप शुरू करें उसके पहले भिड़े भाई, मैं आपके लिए एक मसालेदार चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, थैंक यू अंजलि भाभी, लेकिन मैं चाय पीकर आया हूँ। तो जूस बना कर लाओ। तो फिर चाय ही चलेगी। बहुत समझदार आदमी हो यार। बच गए जूस से। हाँ बिल्कुल। अरे मेहता साहब, मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए। मेहता साहब, दरअसल मैं कंप्यूटर लेने की सोच रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। कंप्यूटर लेने की सोच रहे हो? अरे वेरी गुड आइडिया भेड़े, वेरी गुड। भाई तुम तो शिक्षक हो, तुम तो जानते हो कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया एक कंप्यूटर में समाई हुई है, और तुम्हारे लिए तो बच्चों को पढ़ाने बढ़ाने के लिए बहुत काम आने वाली चीज है। मुझे तो आश्चर्य है कि तुमने अभी तक लिया क्यों नहीं। बिल्कुल मेहता साहब, वैसे तो सोच तो रहा हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, हमेशा हाथ पग रहता है। ये बात तो है बेड़े यार, हम मिडिल क्लास वालों की ये प्रॉब्लम तो है। महीने भर का बजट बनाए तो दाल शक्कर से तो ऊपर आते नहीं, कंप्यूटर जैसी चीजों के लिए पैसा कहाँ से निकाले। लेकिन देखो, ये अब कंप्यूटर जो है वो नेसेसिटी है, ये लग्जरी नहीं है, इसलिए इस महंगाई के चक्कर में आके अपना कंप्यूटर लेने का प्रोग्राम चेंज मत कर देना। हाँ। अरे नहीं नहीं, मैंने तो अभी पक्का सोच लिया है कि कंप्यूटर लेना ही है। तो कितने पैसे लगेंगे? फ्री में। अरे सोचने का खाएगा पैसा यार। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, अब मजाक कर रहे हैं। नहीं मेहता साहब, मतलब कौन सा मॉडल लेना चाहिए? देखो तुम पहली बार कंप्यूटर खरीद रहे हो, तो तुम्हें एक चीज में साफ साफ बता दूं, तुम कोई भी मॉडल खरीदो बाद में पछताने वाले हो। मतलब? भाई मतलब ये कि कंप्यूटर और पत्नियां बिल्कुल एक जैसी होती हैं। भाई जब भी तुम लोगे तुम्हें ये महसूस होगा कि थोड़े दिन और वेट कर लेता तो बेहतर मॉडल मिल जाता। अरे मेहता साहब, आप और आपके बैंक। अच्छा मुझे फिर भी बताइए कि कितना खर्चा होगा। देखो भाई भेड़े, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, हर 2-3 महीने में तो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, और मॉडल की रेट डिपेंड करती है उसकी टेक्नोलॉजी पे। प्राइसेस क्या है, ये कैसा मॉडल है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है जैसा तुम्हारा यूज है, आई थिंक 20-25 हजार तक आ जाना चाहिए। अरे देवा, 20-25 हजार रुपए? अच्छा मेहता साहब, ये कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्शन फ्री में आता है या उसके लिए अलग से पैसा देना पड़ता है?
नहीं नहीं नहीं, इंटरनेट चार्जेबल होता है भाई, मेरे ख्याल से 500-700 रुपए महीने में कोई भी कनेक्शन मिल जाएगा। अच्छा मतलब 25,000 वो और 1,000 रुपए भी पकड़े तो 26,000 तक का खर्चा है। हाँ 26,000 में ये दो चीजें तो हो जाएगी, कंप्यूटर और तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन सारे खर्चे पूरे नहीं होंगे भाई। कंप्यूटर लोगे तो बहुत सारी और भी एक्सेसरीज लेनी पड़ेंगी, प्रिंटर भी लगाओगे, उसके लिए थोड़ा सा टेबल भी होगा, और काफी चीजें होती है भैया जो तुम्हें लेनी पड़ेंगी। अरे बाप रे, ये खर्चों की लिस्ट तो बढ़ती जा रही है। माफ करना मेहता साहब, क्या है ना मैं पहली बार ले रहा हूँ तो इसलिए डिटेल में जानकारी लेना जरूरी है। अरे नहीं नहीं भिड़े, मैं तुम्हारी स्थिति समझ रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पूछो और कुछ पूछना हो तो। अच्छा ये कंप्यूटर खरीदने के बाद उसकी कोई गारंटी वारंटी होती है? हाँ गारंटी मिलती है ना, और गारंटी के अलावा तुम चाहो तो डीलर से साल भर का सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट भी करा सकते हो। वो किस लिए? अरे भाई कंप्यूटर मशीन है, आदमी थोड़ी है, कभी बिगड़ जाए तो क्या कर लोगे? वो ठीक करके देगा ना, कभी हैंग वैंग हो जाएगा तो वो ठीक करके देगा। तो फिर वो सर्विसिंग के चार्जेस भी देने पड़ते हैं। भिड़े कोई तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया तो उसे फ्री पढ़ाओगे? हाँ भाई पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ वो तो है। अच्छा अंदाज से कितना खर्चा होगा? भिड़े तुम बहुत देर से मुझसे सवाल कर रहे हो, एक सवाल मैं तुमसे कर लूं, कहीं तुमने मुझे कंप्यूटर बेचने वाला तो नहीं समझ लिया? भाई वो तो वही बता सकता है ना जो डील करता है इसमें। हाँ बिल्कुल, तो मेहता साहब उस आदमी का नंबर दीजिए ना जिससे आपने कंप्यूटर लिया है, मैं बात कर लूंगा उससे। मैं तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदना होता है तो जेठालाल से सलाह ले लेता हूँ। तुम भी जेठालाल से बात क्यों नहीं करते हो? जेठालाल का क्या संबंध, वो तो टीवी वॉशिंग मशीन और मोबाइल बेचता है। अरे भाई लेकिन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में डील तो करता है ना, उसकी जान पहचान है, सस्ती करा देगा डील तुम्हारी। तो ठीक है मैं जेठालाल से बात कर लूंगा। और मेहता साहब थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अरे भाई अंग्रेजी में कहने की क्या जरूरत थी। चाय तैयार। भिड़े के लिए, भिड़े तुम्हारी चाय। मेरा जूस। वैसे मेहता साहब आपकी क्या राय है, मुझे कंप्यूटर अभी लेना चाहिए या थोड़ा सस्ता होने का इंतजार करना चाहिए? मेरे अब ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कंप्यूटर इस जमाने में खरीदना चाहते हो या अगले जमाने में। अब मेरे कहने का मतलब वो जमाना जब महंगाई कम हो जाए। वैसे एक बात कहूँ भिड़े, महंगाई कम होने का इंतजार मत करना, क्योंकि महंगाई किसी जमाने में कम होने वाली नहीं है। गुड मॉर्निंग पिडो, सवेरे सवेरे कितना हिसाब किताब करके आ रहे हैं? अरे नहीं वो मैं थोड़ा मेहता साहब के पास गया था। वो जाना था तो थोड़ा क्यों गया, पूरा ही जाता ना यार। अरे यार मजाक कर रहा था। और सवेरे सवेरे मेहता साहब के पास कोई खास बात है क्या? हाँ वो मैं कंप्यूटर लेने की सोच रहा हूँ तो उसके लिए आवश्यक जानकारी चाहिए थी, उसके लिए गया था। क्या बात है, मुबारक। और कंप्यूटर आ जाएगा तो मेंटेनेंस के सारे बिल तेरे को हाथ से नहीं लिखने पड़ेंगे। और मीटिंग के रिपोर्ट शिपोर्ट भी फटाफट प्रिंट आउट होके बाहर हो जाएंगे। और सारा सोसाइटी का हिसाब किताब भी तो कंप्यूटर में ही फीड कर लेना, तेरे लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। ओ उत्साही, मैं कंप्यूटर सोसाइटी के लिए नहीं ले रहा हूँ भाई, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए घर पे ले रहा हूँ। एक ही बात है यार, वैसे भी सोसाइटी का सारा काम तू घर पे बैठ के ही तो करता है। तू गैराज जा रहा है ना? हाँ यार सवेरे सवेरे गैराज ही जा रहा हूँ। Have a good day. Have a happy computer day. Podcast. आलात? काय झालं? नहीं माधवी, शक्य नहीं। नहीं, हम कंप्यूटर नहीं खरीदेंगे। अरे का काय का माधवी, सिर्फ कंप्यूटर लेने से बात खत्म नहीं होती, उसके बाद जो होने वाला खर्चा है ना उसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। सबसे पहले तो वो कंप्यूटर का खर्चा, उसके बाद उसको रखने के लिए टेबल लेना पड़ेगा उसका खर्चा, फिर इंटरनेट कनेक्शन का खर्चा, उसके बाद बिजली का खर्चा, मान लो अगर कंप्यूटर कभी बिगड़ गया तो उसके सर्विसिंग का खर्चा। नहीं इतना खर्चा अपने बजट के बाहर है। अरे अरे जैसे कंप्यूटर का खर्चा है वैसे उसके फायदे भी तो है। लेकिन माधवी इतना खर्चा होने के बाद जो फायदा होगा उस फायदे का क्या फायदा? नहीं नहीं वो छोड़ो, हम लोग अगले साल देख लेंगे। अरे क्या अगले साल देख लेंगे, हमारी सोनू को स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है और उसके लिए उसे टप्पू के घर जाना पड़ता है और फिर आप ही उसे मना करते हो। माधवी वो जो भी है वो मैनेज कर लेगी, लेकिन इतना खर्चा नहीं कर सकते माधवी।
बच्चे के बारे में ही सोचना था, तो शादी क्यों की आपने? हाँ, शादी नहीं की होती तो ना बीवी होती, ना बच्चे होते, ना परिवार होता। लाइट, कपड़े, खाना पीना सबका खर्चा बच जाता ना आपका। अरे आप ही बच्चों को सिखाते हो ना कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो आप में कब आएगा परिवर्तन? परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। आप ही कहते हो ना कि थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, तो आप भी जरा थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ज्यादा खर्चा है तो ज्यादा कमाएंगे। मैं ज्यादा अचार पापड़ बना कर बेचूंगी, आप ज्यादा ट्यूशन लेना। अरे खर्चे को हम दोनों मिलके मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। बस माधवी, बस 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 बस। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें कंप्यूटर खरीदने से नहीं रोक सकती। हम कंप्यूटर लेंगे और जरूर लेंगे। हम लोग कहाँ से लेंगे कंप्यूटर? आपने मेहता साहब को कुछ पूछा? हाँ माधवी, मैंने मेहता साहब से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि जेठालाल से कांटेक्ट करो, क्योंकि उसके कोई पहचान वाले लोग हैं जो कंप्यूटर बेचते, तो हमें अच्छे भाव में मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। आप जेठा भाई को फोन लगाइए ना। माधवी, हम लोग कंप्यूटर ले रहे हैं, कंप्यूटर। अरे इतनी बड़ी बात मैं फोन पे थोड़ी ना बताऊंगा, मैं पर्सनली जाकर जेठालाल से मिलूंगा। ओके, तो अभी जाइए ना, जेठा भाई घर पे मिलेंगे। अरे कितना उत्साह। अरे वो कंप्यूटर लेना, इसके बारे में सोच के मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बात तो मेरे गले में उतर गई, लेकिन वो गर्मा गर्म शीरा अभी तक नहीं उतरा है। समझ गई, मैं अब भी बनाती हूँ शीरा। ओके, बोना चीती मजी बाय। प्रोजेक्ट तो हो गया। सुनो, तेरा प्रोजेक्ट क्या है? मुझे कोल्हापुर का पन्हाला फोर्ट, वाओ, वाओ कितना बड़ा है, और शाहू म्यूजियम के पिक्चर्स डाउनलोड करने हैं। तुम्हारे कंप्यूटर की वजह से मेरा प्रोजेक्ट हो गया। अरे सोनू, उसमें थैंक यू क्या? ये कंप्यूटर मेरा नहीं, पूरी टप्पू सेना का है। अरे दया। हाँ बोलिया। वाह क्या बात है, थैंक यू। अरे खा करे की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ मजा आ गया। क्या मेथी का खाखरा है? का अहमदाबाद से मंगाया? नहीं नहीं, अहमदाबाद के नहीं है, मुंबई के है। अच्छा, मुंबई में कहाँ से लाए? मुंबई के गोरेगांव के गोकुलधाम सोसाइटी का बी विंग का फ्लैट नंबर 103 में बनते है। अरे मतलब यहाँ बनते है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। लुच्चे, तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? ला ला ला, तीन चार ला, तीन चार ला। बुलायो। हेलो। हाँ नट्टू बोल रहा हूँ। हाँ बोला। कल रात को दम आलू खा के मजा आ गया। अरे अभी तक उसका स्वाद मेरे मुंह में घूम रहा है। अच्छा आज क्या खिला रहे हो बोलो? मैं बताऊं, दाल ढोकली खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। ए दाल ढोकली, किधर फोन लगाया? पद्मावती भोजनालय में। आप कौन बोल रहे हैं? अरे जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? तो काका आपने घर पे फोन लगाया है। रॉन्ग नंबर। रात भर दम आलू का स्वाद घूमता रहा तो सुबह से पद्मावती भोजनालय दिमाग में घूम रहा होगा, उसमें लगा दिया फोन। टप्पू के पापा,
खाखरा तो खत्म हो गया है। कोई बात नहीं। नहीं 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 आप बैठिए, मैं अभी बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं उतना टाइम नहीं, मुझे दुकान जाना भाई। देखिए देर नहीं लगेगी, फटाफट खाखरा बना के लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, तू बना आराम से बना, कल खा लूंगा। टप्पू के पापा सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपने खाखरा मांगा और मैं दे नहीं सकती। अरे लेकिन मैं कहाँ हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ कर जा रहा हूँ, रात को तो वापस आ जाऊंगा। लेकिन आपने खाए होते तो। ठीक है भाई ठीक है, चलो हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दुल्हन ये दुनिया। या मुझे पापा, जल्दी जल्दी ऊपर आइए। अरे जल्दी ऊपर आइए ना। क्यों क्या हुआ? अरे हुआ कुछ नहीं है, खाखरे मिल गए। मैंने आटा लेने के लिए आटे का डब्बा निकाला तो पीछे क्या देखा, खाखरा का दूसरा डिब्बा। मतलब अब खाखरा है, आप मन भर के खाखरा खा सकते हैं। जल्दी चलो जल्दी ऊपर आइए। खाखरा मिल गया ना? हाँ। तो अभी संभाल कर रख, कल सुबह खा लूंगा। अरे अरे सुनिए, 2 मिनट लगेगी, अब खा लीजिए ना। दया शांति रख, ये खाखरा मैं नहीं खाऊंगा तो कोई नबड़ाई नहीं आएगी, नहीं मैं चक्कर खाकर रास्ते में गिर जाऊंगा। हाँ कल सुबह खा लूंगा ठीक है। लेकिन दया बात को समझो, लेट हो रहा है दुकान जाने में। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पपीता जी, अब इधर वो मैं अपना वो ए, अपना पोपट लाल वो बोल रहा था कुछ दीवार में कुछ लीकेज है पानी का। कहाँ? नहीं तो नहीं, झूठा एक नंबर का झूठा आदमी है पोपट लाल, कितना झूठ बोलता है। और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और कहाँ जा रहे हो, दुकान? हाँ चल रहे जी। नहीं मतलब दुकान दुकान ही जा रहा हूँ। भूत नो वास पीपड़े। हाँ नहीं, वो हमारा गुजराती में कहावत है कि भूत जो होते हैं ना वो कहाँ रहते हैं, पीपल के पेड़ में। वैसे हमारा क्या, रोज सुबह उठ के कहाँ जाएंगे, दुकान। बाकी उस दिन आपने मजा करा दिया बबीता जी। कब? अरे वो उस दिन अपना सोसाइटी का प्रोग्राम था, वो 25 जनवरी रात का। अरे वो क्या डांस किया आपने, ए दुनिया एक दुल्हन ए माथे की चिंदिया। बिंदिया। आ, बिंदिया बिंदिया। अरे मतलब गजब गजब था है? सब लोग ने बहुत बढ़िया डांस किया, लेकिन मेरी नजर आप पे से हटी नहीं रही थी। क्या आप एक एक, एक बोलू आपका बुरा मत लगाना। जो मैंने देखा ना उस पर से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो बॉडी है ना एकदम फोल्डिंग है। यू मीन फ्लेक्सिबल राइट? हाँ मतलब वो अंग मरोड़ जो आप कर रहे थे, ए दुनिया ए दुल्हन, मुझे मजा आ गया। अरे टप्पू के पापा आप अभी तक यहाँ पर ही हो, इतनी देर में तो आपने 10-15 खाखरे खा लिए होते हैं। नहीं बस जा ही रहा हूँ, लेट हो रहा है लेट हो रहा है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पापा। हेलो। हाय देयर बॉबी। बबीता जी काम होता है ना तो इनको आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। देखा मीना खाए चला गया। अरे आप आइए ना खाखरा खाने के लिए, मजा आएगा। बाद में आती हूँ मैं। ओके बाय। अरे गुड मॉर्निंग दया भाभी। गुड मॉर्निंग कोमल भाभी। और खाना वाना बना कि नहीं, क्या सब्जी बनाई आज? अरे घर में बिल्कुल सब्जी नहीं है, अभी अनीता आएगी फिर सोचूंगी कि कौन सी सब्जी बनानी है। ओहो, और अगर अनीता आई नहीं तो? हाँ? अच्छा दया भाभी बाद में मिलती हूँ, कुकर की सीटी बजी, बाय। हाँ हाँ बचा कर रहा था।
अदय भाभी बोलिए भिड़े भाई, जेठालाल है? नहीं, वो तो अभी दुकान पर गया, कुछ काम था। हाँ थोड़ा अर्जेंट था। ठीक है मैं उसे दुकान में जाके मिलता हूँ। एक मिनट भिड़े भाई। हाँ? आप दुकान जा रहे हैं? हाँ। तो मुझे टप्पू के पापा के लिए कुछ भिजवाना है, तो आप ले जाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें पूछना क्या है। थैंक यू। तो आप जरा ऊपर आएंगे, मैं आपको दे देती हूँ। हाँ अभी आता हूँ। आइए भिड़े भाई। हाँ। सॉरी हूँ आपको तकलीफ दे रही हूँ। अरे इसे तकलीफ कैसी दया भाभी जी, आपको जो भी देना है दे दीजिए, मैं लेके जाऊंगा। हाँ हाँ अभी आई। हाँ। आप दो मिनट खड़े रहिए। अरे वाह, आत्माराम तुकाराम भिड़े आज हमारे घर पे हैं। क्या हुआ, टप्पू ने कोई शरारत की? अरे नहीं नहीं चाचा जी, वो जेठालाल। क्या किया जेठिया ने? नहीं नहीं चाचा जी, मैं जेठालाल से मिलने दुकान जा रहा हूँ, तो दया भाभी को कुछ भिजवाना था इसलिए मैं ऊपर आ गया। अरे तो खड़ा क्यों है, बैठ। हाँ। लीजिए, टप्पू के पापा को दे देना। हाँ। क्या भूल गया जेठिया? नहीं नहीं भूल नहीं गए हैं। क्या है, सुबह टप्पू के पापा को नाश्ते में खाखरा बहुत अच्छे लगे थे, तो उन्होंने ज्यादा मांगे, तो मैंने कहा कि खत्म हो गए हैं। फिर जब मैं किचन में गई ना, तब पता चला कि दूसरे डिब्बे में और खाखरा थे। तो अभी भिड़े भाई जा रहे हैं, तो दुकान में उनके साथ थोड़े खाखरा भिजवा रही। चलिए चाचा जी। अरे नहीं नहीं मतलब मैं निकलता हूँ। ओके ओके थैंक यू। अरे आ गए सर जी। आ गया भाई। और आपने खाली डाल रख ली? किधर, पद्मावती भोजनालय से आ रहे हैं ना? अरे कहाँ सेठ जी, मैं तो बैंक में गया था। ये सुबह आपने फोन किया था ना, आज बहुत इच्छा है दाल ढोकले खाने की। वो तो ऐसा हुआ सेठ जी कि पद्मावती भोजनालय में फोन लगाया तो गलती से आपका फोन लग गया। बाद में फोन लगा और सेठ जी मैं क्या बताऊं, मेरा मान रखने के लिए आज शाम को वो लोग खास दाल ढोकली बनाने वाले हैं। ए सेठ जी एक काम करते हैं, आज शाम को महफिल जमाते हैं, आप मैं और दाल ढोकली, एक शाम दाल ढोकली के नाम। हाँ दाल ढोकली, चलो चलो बेटा बेटा धंधे में ध्यान दो, चलो। सॉरी। भिड़े क्या है, बहुत टाइम के बाद आया ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। और लड्डू काका केम छो? मजे में, आप कैसे हैं? मजे। क्या बात है भिड़े, आज इधर किधर? हाँ आज इधर किधर। अरे भाई तुमसे ही मिलने आया हूँ। क्यों, क्या किया टप्पू ने? टप्पू ने कुछ नहीं किया, वो दया भाभी ने। अभी दया ने कुछ किया? अरे भाई किसी ने कुछ नहीं किया, दया भाभी ने तुम्हारे लिए खाकरा भेजा, वो लेकर आया हूँ। क्यों, तुमने आज पेट पर नाश्ता नहीं किया ना सुबह? दया भी कमाल है, उसके लिए तुमको भेजा खाकरा लेकर। ए भाई मैं सिर्फ खाकरा देने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, वो तो मैं अपने पर्सनल काम से तुमको मिलने आ रहा था, इसलिए मेरे हाथ भिजवा दिया। अच्छा अच्छा, ओ थैंक यू बेटा, थैंक यू। सॉरी हाँ तुमको तकलीफ दिया। अरे इसमें तकलीफ क्या की जेठालाल, कल को अगर माधी तुम्हें कुछ काम बोलेगी तो तुम्हें तकलीफ होगी? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई। फिर मुझे क्या की तकलीफ? अरे खड़ा क्यों, वहाँ बैठो बैठो। अच्छा अच्छा आइए। बोलो बोलो जेठालाल। मैं कंप्यूटर लेने की सोच रहा हूँ। अरे वाह थैंक यू। तो उसकी जानकारी लेने के लिए मैं आज सुबह मेहता साहब के घर पे गया था, तो उन्होंने कहा कि जेठालाल से कांटेक्ट करो,
उसकी पहचान का कोई कंप्यूटर वाला है, तुम्हें अच्छी डील मिल जाएगी। हाँ है ना अपना लोकेश भाई, बहुत बड़ा काम है उसका कंप्यूटर का, अभी फोन कर देता हूँ। उसमें क्या लोकेश भाई? हाँ हेलो लोकेश भाई। हाँ जेठालाल। अरे भाई अपने एक मित्र है, मेरा पड़ोसी है आत्माराम भिड़े, उसका कंप्यूटर लेना है, तो एक 5 मिनट आ जाता है दुकान में जरा। ओके 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 आ रहे अभी, इधर बाजू में उसका दुकान, अभी आ जाएगा। और बोलो तब तक क्या चाय भाई कुछ क्या पियोगे? अरे नहीं नहीं कशाला कशाला। अरे कशाला का है? अच्छा चाय रहो जी, अपन कोकम शरबत पियोगे। अरे नटो काका। जी सेठ जी। जरा वो फड़के के उधर कोकम शरबत तो बोला। जी सेठ जी दो बोल दू ना? अरे नहीं नहीं तीन बोलो। अच्छा आप भी पियेंगे? अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? खेलने। और प्रोजेक्ट? हाँ हो गया, बाय। जाने दो ना माधवी भाभी, वो लोग नहीं सुनेंगे बाबा। हाँ हाँ वैसे भी बहुत देर से प्रोजेक्ट कर रहे थे तो फिर। अच्छा अनीता ये 5 किलो टोमेटो मुझे चाहिए। अरे वो 5 किलो आज पाव भाजी लगते हैं? नहीं सैलेड के लिए। इतना? खाओ खाओ सलाद खाना अच्छा होता है। ये दे। अरे माधवी भाभी फिर भिड़े भाई ने फाइनली कंप्यूटर लेने का फाइनल किया कि नहीं? कंप्यूटर? हाँ उसी के बारे में जेठा भाई से मिलने गए हैं। क्या है उनके पहचान के बहुत सारे कंप्यूटर वाले हैं ना? हाँ इसलिए। अच्छा तो इसलिए भिड़े भाई टप्पू के पापा को मिलने के लिए दुकान पर गया है। अरे भिड़े बहन आप मानोगे नहीं, टप्पू के पापा की तो कंप्यूटर में बहुत सारी पहचान है। वो ना अब देखना भिड़े भाई को टप्पू के पापा बेस्ट कंप्यूटर दिलाएंगे। वेरी गुड सलाबर है। वैसे माधवी भाभी आपका ये कंप्यूटर लेने का डिसीजन ना बहुत अच्छा है। राइट राइट। यू नो आज के जमाने में कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट है। ओ? हाँ घर में कंप्यूटर आ जाएगा ना तो सोनू के साथ साथ इनको भी काम आएगा। हाँ बराबर। अरे सिर्फ भिड़े भाई और सोनू ही नहीं, आप भी कंप्यूटर का फायदा उठा सकते हो, घर बैठे इंटरनेट पे अचार पापड़ दुनिया भर में बेच सकते हो। या वेरी राइट। ओगो भाई कंप्यूटर पे कैसे अचार पापड़ बेच सकते हैं? क्यों नहीं बेच सकते? देखो पहले आपको अपना एक वेबसाइट बनाना पड़ेगा, उसमें आप अपने सारे प्रोडक्ट्स के जानकारी दे देना और उसके बाद ईमेल्स के जरिए ऑर्डर्स लेते रहना बस। अच्छा ऐसा आस्ता? मुझे तो पता ही नहीं था। माधवी भाभी आपको कंप्यूटर चलाना आता है ना? नहीं रे बाबा, लेकिन घर में एक बार कंप्यूटर आ जाएगा ना तो सब सीख लूंगी और दुनिया भर में अचार पापड़ बेचूंगी। ये बात और कैसा रहा तिरुपति? जेठा भाई बहुत अच्छा दर्शन हुए। अच्छा मुझे भी जाना है लेकिन पता नहीं कभी मौका मिलेगा जाने का। लोकेश भाई इतने 4 कंप्यूटर के बारे में बताया है, मतलब एक की कीमत है 27,000, दूसरी की है 23,400, ये 20,500 वाला और एक है 25,200 वाला। मेरे हिसाब से 20,500 वाला ठीक है, नहीं आप क्या कहते हैं? अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो आपके लिए 23,400 वाला पीस बेस्ट है। 17 इंच का मॉनिटर है, 320 GB हार्ड डिस्क, वो भी DVD राइटर के साथ। आई, वो तो सही है लेकिन 23,400 कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है जेठालाल? नहीं भाव के बारे में तुम एकदम बेफिक्र रहो भिड़े, ये लोकेश भाई का एकदम मास्टर है उसमें, एकदम रिजनेबल भाव, पूरे मार्केट में ये पीस तुमको ये भाव से कम में नहीं मिलेगा। अगर पसंद है तो दे दो ऑर्डर। तो ये पीस मैं फाइनल समझू? नहीं नहीं फाइनल तो करना ही है लोकेश भाई, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, मैं आपको कल तक फोन करता हूँ। अरे भिड़े भाई इसमें सोचना क्या, होम यूज के लिए सबसे बेस्ट पीस है, सबसे ज्यादा बिकता है ये पीस। तो फिर ले लो भिड़े ले लो। हाँ लेना तो है जेठाला, लेकिन क्या है ना पहली बार कंप्यूटर ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना, मैं आपको कल तक फोन करके बताता हूँ ना। ठीक है जैसे आपकी मर्जी। जेठा भाई चलता हूँ, कुछ और हो तो बताना। अरे भाई तुमको तो पता है कंप्यूटर का कोई भी मुझे इंक्वायरी आता है मैं सीधा तुमको ही फोन लगाता हूँ।
वो तो है, ठीक है चलता हूँ। ओके ओके। और बोला भिड़े। बस मुझे तो जानकारी मिल गई है जेठाला, फोन करके बोल दूंगा मैं। वैसे थैंक यू वेरी मच। अरे क्या भाई थैंक यू। और क्या गोजा कोकम शरबत? अरे नको नको, अभी ट्यूशन का भी टाइम हो गया है। हाँ चलता हूँ मैं। ओके वो जरा थैली मिलेगी? थैली हाँ है ना, मैं अभी देता हूँ। सिर्फ 19,200? जेठालाल भिड़े से कमीशन खाने चले थे? सिर्फ 19,200? जेठालाल भिड़े से कमीशन खाने चले थे? फाइव मेगापिक्सल में है ना? ये लो, ये बहुत बढ़िया पीस आया, ये देखो। हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। आपने खाखरे खाया? नहीं खाया नहीं, खा लूंगा। हाँ अरे क्या खा लूंगा, अभी तक खाखरे नहीं खाया। अरे लेकिन कहाँ से खाऊं? डिब्बे में से। मेरा मतलब भाई टाइम नहीं मिला, अभी कस्टमर है, बाद में फोन करें, ठीक है? सुनिए मैं आपको एक मस्त आइडिया बताती हूँ। वो कस्टमर जाए और दूसरा कस्टमर आए, उसके बीच में जो टाइम मिलेगा ना उसमें चपाक से डिब्बा खोल के खाखरा खा लीजिए। हाँ अरे मैं जब छोटी थी ना तब स्कूल में ऐसा ही करती थी, एक पीरियड खत्म होते ही दूसरा पीरियड का टीचर आया, उसके बीच में जो टाइम रहता है ना उसमें मैं चपाक से टिफिन खा लेती थी। तो फिर रिसेस में क्या खाती थी? टिफिन। तो स्टील का खाली टिफिन भी खा जाते थे? नहीं नहीं मैं दो टिफिन लेके जाती थी, एक टिफिन रिसेस में। और दया तेरा टिफिन पुरान बनकर इधर बहुत काम है मुझे। खाए पिए बिना कितना काम करते हैं आप यहाँ। ठीक है फोन रख, मैं बाद में खाकर खा लूंगा। ओके चलो। हाँ 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 जी बोलिए। ये मुझे चाहिए। अरे वाह बहुत बढ़िया पीस है, आंख बंद करके ले लो आप। okay. तो ये तो डमी है, मैं आपको फ्रेश पेटी पैक पीस घर पे भिजवा देता हूँ। थैंक यू। ओके बापूजी, आज मैंने खाने में आपकी मन पसंद दाल ढोकली बनाई है। अरे वाह बहू, तेरे हाथ की दाल ढोकली जब भी खाता हूँ ना मुझे तेरी सासू माँ की याद आ जाती है। अच्छा? हाँ अरे वो भी दाल ढोकली बहुत बढ़िया बनाती थी वो? और दाल ढोकली क्या, वो तो मिष्ठान फरसान सब चीजें बहुत अच्छा बनाती थी। हा? तुझे पता है बहू, गांव में अपने घर में जब जमणवार होता था तो खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी तेरी सासू माँ पे होती थी। अच्छा? हाँ अरे आसपास के पोड़ के लोग तो बिना बुलाए खाना खाने आ जाते थे। ओहो सासू माँ इतना अच्छा खाना बनाती थी? हाँ तो हेलो अम्मा कैसी हो? मैं बस देखो मजे में हूँ। एक मिनट माँ, ये तुम्हारी आवाज अचानक गोगरी क्यों हो गई है, क्या हुआ? हाँ माँ, बता जी।
आठ आठ दिन से तुम्हें सर्दी हो गई है और ये बात तू मुझे आज बता रही है? माँ मुझे ये बताओ कि तूने ये बात मुझसे छुपाई क्यों अपनी बेटी से? नहीं नहीं मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती। मैं अभी की अभी अहमदाबाद आ रही हूँ और अहमदाबाद आकर ही बाकी की बात सुनूंगी, समझे? और अच्छा माँ तुम इतना कह रही हो तो मैं अहमदाबाद नहीं आती हूँ बस। नहीं लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। देखो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, चार पांच बार दिन में नाश लेना पड़ेगा और अपनी सहेलियों के साथ काकरिया तालाब जाने का सोचना भी मत। और अब जब मैं तुम्हें फोन करूं तो मुझे तुम्हारी आवाज अहमदाबाद के चाय की तरह कड़क चाहिए, समझे? हाँ अच्छा मैं फोन रखती हूँ। बापूजी आपको भूख लगी हो तो मैं खाना परोस दूँ, तैयार ही है? नहीं बहू थोड़ी देर बाद, तब तक मैं दवाई खा लेता हूँ। ठीक है। क्या हुआ, आपने जेठा भाई को कंप्यूटर का ऑर्डर दे दिया? कब आने वाला है? माधवी कंप्यूटर आएगा और जरूर आएगा, लेकिन जेठालाल की पहचान वाले के पास से नहीं आएगा, किसी दूसरी जगह से आएगा। क्यों? आप तो कहते थे कि जेठा भाई के पहचान वाले से लेंगे तो सस्ते में पड़ेगा, तो अब क्यों दूसरी जगह से? मुझे भी ऐसे ही लग रहा था माधवी। जब मैं जेठालाल की दुकान पर पहुंचा तब उसकी पहचान वाले ने मुझे दो तीन कंप्यूटर्स के बारे में बताया, जिसमें से एक कंप्यूटर अच्छा था, उसकी कीमत थी 23,400 रुपया। जब मैं घर वापस लौट रहा था तो किसी दूसरी दुकान पर मैंने वैसा ही कंप्यूटर देखा, वहां पर उसकी कीमत थी 19,200 रुपया, मतलब सीधा 4,200 रुपए का फर्क। कुछ समझ में आ रहा है माधवी? मुझे लगा पड़ोसी होने के नाते हमें सस्ती और अच्छी डील दिलाएगा, लेकिन ये जेठालाल हमसे ही कमीशन खाना चाहता था। क्या बोल रहे हो आप, जेठा भाई हमसे थोड़ी कमीशन कमाएंगे? क्यों नहीं कमाएंगे? अरे जेठालाल जितना दिखता है ना उतना भोला नहीं है वो, एक नंबर का चैप्टर है चैप्टर। जेठा भाई हमारे इतने अच्छे पड़ोसी हैं, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा इस बात पे। माधवी तुम भूल रही हो कि जेठालाल एक व्यापारी है और ये व्यापारी लोग किसी के पड़ोसी रिश्तेदार नहीं होते। मैंने जैसे ही जेठालाल से कंप्यूटर खरीदने की बात की ना, उसने फटाफट फोन करके कंप्यूटर वाले को बुला लिया और वो कंप्यूटर वाला भी मेरे पीछे ही पड़ गया कि आज की आज ही डिलीवरी ले जाओ। वो तो मैं समझदार था इसलिए मैंने घाई नहीं की, एक दिन की मोहलत मांग ली, वरना हमें 4,200 रुपए का चूना लग जाता। चलो वो सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, खाना खाते चलो। जेठा भाई ने ये बहुत गलत किया। बाबूजी मैं सोडा पी के आ रहा हूँ। अरे टप्पू के पापा, ये क्या आपने खाकरे खाया ही नहीं? अरे खाया ना। अरे क्या खाया ये देखिए क्या है ये? अरे भाई तूने कितना खाकरे भिजवाए थे? 50-60 खाकरे मैंने खाया, नटो काका ने खाया, मगन ने खाया, फिर भी खत्म ही नहीं हो रहा थे। अरे मगन को तो मैंने लंच में खिलाया, फिर दोपहर को 4 बजे की चाय के साथ खिलाया, फिर भी खत्म नहीं हुआ। फिर मुझे लगता है मगन साहब डर गया कि सेठ जी कहीं शाम को भी खाकरा न खिलाए, इसलिए मुझे कहता है सेठ जी खाकरा का डिब्बा मैं घर पे देखता हूँ। मैं बोला जा भाई देख के आ। ये क्या आप तीन लोग मिलकर खाकरा खत्म नहीं कर सके? अरे भाई वो तो आदमी को जितना भूख लगा उतना ही खा सकता है ना, बकासुर की तरह थोड़ा ठूंस सकता है। और दूसरा क्या है, शास्त्र में भी लिखा है कि आपको जितनी भूख लगी हो उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए, तो क्या शरीर तंदुरुस्त रहता है। अच्छा तो भाई तू इतना कम खाता है फिर भी तेरा शरीर क्यों बढ़ते ही आ रहा है? तो मेरा शरीर का कंट्रक्शन ही ऐसा है बाबूजी। बांध काम चलो मैं आता हूँ सोडा पी के। हाँ चलो। क्या चलो?
तूने कब से सोचा चालू की? अरे नहीं नहीं, क्या है, हम सब लेडीज नीचे मिलने वाली है, तो मुझे लगा आप जा रहे हैं तो हम साथ में नीचे उतरते हैं, आपको भी कंपनी रहेगी। ठीक है चल। हाँ एक मिनट रुकिए ना, मैं जरा डिब्बा रख कर आती हूँ। हाँ रख क्या। चलिए चलिए। सॉरी सॉरी बाबूजी, हो आपका चप्पल इधर हो, पैर में आ गया, इसके लिए हो लगाता नहीं। सॉरी बाबूजी। चल अभी। नहीं 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 बेटे, नहीं मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए जेठालाल यार कमीशन खा सकता है। नहीं नहीं मेहता साहब, जेठालाल का आदमी जो कंप्यूटर मुझे 23,400 में बेच रहा है, वही सेम कंप्यूटर दूसरी दुकान में 19,200 में मिल रहा है। अरे वो तेरी इतना डिफरेंस। हाँ फिर, और सॉरी अगर मैं बगैर इंक्वायरी के वो कंप्यूटर खरीद लेता ना तो मुझे 4,200 रुपए का चूना लग जाता। और 4,200 छोटा रकम थोड़ी है। अरे भाई भिड़े, 4,200 रुपए में तेरा कंप्यूटर का नया टेबल आ जाता। नहीं तर क्या, मेरे ट्यूशन की खून पसीने की कमाई जेठालाल को कमीशन में चाहिए। वो तो मेहता साहब आपने कहा इसलिए मैं जेठालाल के पास गया, वरना मेरा मन नहीं था उसके पास जाने का। अरे यार हम लोग जेठालाल को कितने टाइम से जानते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं यार ये बात गलत है। क्या गलत है मेहता साहब, ये जेठालाल के खाने के दाद कुछ और दिखाने के दाद कुछ और है। हाँ बराबर बोल रहा है साहब। अरे जेठालाल तो मीठी छुरी है, मीठी छुरी, खाली मुंडी नहीं पाताल ढूंढी। मतलब वो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है। इसका मतलब ये है कि सस्ता सस्ता कहकर जेठालाल गोकुलधाम वासियों को सारी चीजें महंगी बेचता। बिल्कुल। एक मिनट पोपटलाल, जरा मुझे ये बताओ तुमने आज तक जेठालाल की दुकान से क्या खरीद लिया? मतलब मैंने कुछ खरीदा नहीं है पर। अरे अगर खरीदा नहीं है तो किस आधार पे कह सकते हो कि वो सस्ती सस्ती कह के महंगी बेचता है? नहीं मतलब बेचेगा तो ऐसे ही बेचेगा ना महंगा कहकर, जैसे भिड़े के साथ किया। यार ये क्या बात हुई, वो रब जी का दिया अपने जेठा प्रा के पास सब कुछ है, फिर ये अपने पड़ोसियों से कमीशन खाने की जेठा प्रा को जरूरत क्या पड़ी यार? और नहीं तो क्या, मैं तो कहता हूँ आज के बाद जेठालाल की दुकान से कोई भी चीज खरीदना कैंसिल कर दो। ओए पपेट, आज पहली बार तूने कैंसिल शब्द का सही जगह इस्तेमाल किया है यार। मौज कर। अरे बेबी आओ। हाय हाय। हेलो हेलो नमस्ते, लेडीज पार्टी क्या बात है। ओह बबीता जी, क्या बढ़िया ड्रेस बनाया आपने। इसे नहीं दे। हाँ हाँ बहुत अच्छा है। सच्ची कहाँ से लिया, कहाँ से आपने? वो अय्यर गए थे ना चेन्नई पे टूर के लिए, तब वो मेरे लिए वहाँ से लाए थे। वाह बोलना पड़ेगा अय्यर भाई, नसीब लगा पैदा हुए है, सब अच्छी अच्छी चीज उनको मिल ही जाती है। जेठा भाई बैठे ना। हाँ हाँ प्लीज। लेडीज के बीच में मैं बस जा रहा हूँ समझ गया, जा रहा हूँ और सोडा पीना जा रहा हूँ। उधर साहब यार दोस्त इंतजार कर रहे होंगे मेरा। ओके चलो कैरी ऑन। ओके। अरे यार आप सारे लोग मिलके जेठालाल पे कोई छोटा मोटा इल्जाम नहीं लगा रहे हो, कमीशन खोरी कोई छोटी चीज नहीं होती। अरे क्या बात है क्या बात नहीं है, एक बार जेठालाल से खुल के बात कर लेते हैं। ओ मेहता साहब, जो छुप कर कमीशन खाता है उससे खुल कर क्या बात करें। करेक्ट है सोड़ी। ओहो सोडा का राउंड चालू हो गया। क्या बात है, सब चुपचाप है, सब ठीक तो है मेहता साहब? ठीक नहीं है भाई जेठालाल। क्यों क्या हुआ? भेड़े ने तुम पे एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। मुझ पे क्या भाई? अरे भेड़े ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर तुम भेड़े को दिलवाने वाले हो उसमें 4,200 रुपए कमीशन खा रहे हो। तकमन, तुमको कंप्यूटर दिलवाने में मैं क्यों कमीशन खाऊं? ऐसा ही बोल रहे भेड़े साहब। अरे भाई उल्टा मैं तो तुमको बढ़िया डील दिलवा रहा हूँ। काय की बढ़िया डील जेठालाल,
मैंने मार्केट में इंक्वायरी की है, तुम्हारा आदमी जो कंप्यूटर मुझे 23,400 में बेच रहा है उसकी मार्केट में असली कीमत है सिर्फ 19,200 रुपया। एक मिनट, मतलब तुमको ऐसा लग रहा है कि वो लोकेश से मैंने तुम्हारी पहचान करवाई उसमें मैंने अपना कमीशन रखा है? बिल्कुल। अरे भाई व्यापारी आदमी हो तुम, कमीशन खाना तुम्हारा हक बनता है ना। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? ए भाई मेरा धंधा है ना और टीवी फ्रिज एलसीडी टीवी वो सब बेचने का है, कंप्यूटर बेचने का नहीं है। ये तो तू है करके मैंने अपने विश्वासु आदमी से तेरी पहचान करवाई और तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है? तेरे हिम्मत कैसे हुई है बोलने की? अरे जेठालाल गुस्सा छोड़ो ना, शांत हो जाओ ना अभी। अरे क्या शांत हो जाओ, मैं तो 20 साल से धंधा कर रहा हूँ, मैं आज तक मार्केट में किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई और ये कल का जमाने का बीड़ा बोल रहा कि ना भाई एक काम कर, तेरे को जिधर से लेना है ना कंप्यूटर उधर से ले, मैंने बताया उधर से तो बिल्कुल मत लेना। हाँ जा। टप्पू बेटे संभल के। अरे कोई के भाभी, भिड़े भाई फाइनली कंप्यूटर कब ला रहे हैं? हाँ, वो कल ऑर्डर देने वाले हैं, एक हाँ दो दिन में आ जाएगा। कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू। मेरे लिए नारियल की बर्फी? हाँ 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 कोमल भाभी जरूर, सबको दूंगी। टप्पू के पापा कह रहे थे कि उन्होंने भिड़े भाई को कंप्यूटर वाले से मिलवा दिया है। हाँ लेकिन दया भाभी, हम लोग जेठा भाई के पहचान वाले से कंप्यूटर नहीं खरीद रहे। क्यों बोला? क्योंकि सोनू के पापा बता रहे थे कि जेठा भाई बीच में से कमीशन ले रहे थे। टप्पू के पापा आपसे कमीशन लेने वाले थे? हाँ दया भाभी। मैंने हमेशा आप लोगों को अचार पापड़ दूसरों से कम दाम में दिया है ना? हाँ 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 माधवी भाभी, पर मैंने कभी कमाने के हिसाब से कुछ बेचा है आप लोगों को? नहीं नहीं नहीं, नहीं। माधवी भाभी, फिर हम लोगों को कितना बुरा लगा इस बात का आपको पता है? भीड़ बहन मैं समझ सकती हूँ। जेठा भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। टप्पू के पापा ने ऐसा किया? आने दो उनका, आज सबके सामने उनकी खबर लूंगी। आने दो उनका।